निवेदन करती हूँ कला दीर्घांतर देशी दृश्य कला पत्रिका के संपादक डॉक्टर अभिजीत गुरुजी से कि वे मुख्य अतिथि को कैटर कलाकार के लिए कोई एक दिवस नहीं है, हर दिन उसका दिन होता है और नई नई अभिव्यक्तियाँ नए नए विचार आते रहते हैं। इतने कलाकारों के बीच में मैं अपने को बहुत अदना और बहुत छोटा सा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम इस कला के बहुत पार्क ही नहीं हैं, फिर भी हमें सारी चीज़ों को देख के, चूँकि मिश्रा जी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इनसे कुछ ना कुछ स्रोत मिलते रहते हैं कला के और मुझे ज्ञान होता रहता है, तो जो भी थोड़ी बहुत समझ है। और आज सारे कलाकारों की कलाकृतियाँ देख के मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि हमें यहाँ मदद किया गया और आप सब लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त करें, उत्तरोत्तर प्रगति करें और बहुत आगे जाएँ। जहाँ कहीं भी आपको जाने के लिए ईश्वर ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है या आपने खुद लक्ष्य निर्धारित किया है, वो आपके सपनों को, आपके इच्छाओं को एक पंख लगे और आप एक उड़ान भरे और वहाँ तक पहुँच जाए। बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया। आज कलाकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस है। ये 2004 से शुरू किया गया था, कनाडा से स्टार्ट हुआ था और पूरी दुनिया में इसको मान्यता मिली और आज के दिन 25 अक्टूबर को कलाकार दिवस मनाया जाता है। और पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि लोग थोड़ी देर शांति बनाए रखें, थोड़ा सा काम लेंगे। दीपावली आने वाली है, दीपावली प्रकाश और ज्ञान का पर्व है, कलाकारों के लिए अच्छा खासा आकर्षण रहता है दीपावली का। इसके अलावा वैसे भी गुजारे हर प्रकार होता है और अपने अपने ढंग से लिखता है, गाता है, गाता है, नचता है, अनेक विधाओं में रचता है, तो दृश्य कलाकार भी क्यों दूर रहें, वो भी रचते हैं और प्रकारांतर से रचते हैं। बस उनको समझ कर, पहचान कर, सबको जोड़ कर एक साथ लाने की बात थी, तो हम लोग छोटा सा माध्यम बन जाते हैं और इस माध्यम बनने के बाद जो कुछ सामने आ रहा है इसको एक मान्यता देना, इसको इसमें चार चांद लगा देना, इसको गरिमामयी बना देना, इसके लिए हमारे इंजीनियर ने स्वीकार किया है, हमारे विजय शांतिमान तिवारी जी ने जो यहाँ तक आई अपने व्यस्त समय में से वो बाहर थी, छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन साइज उत्तर प्रदेश में आगे यहाँ चले गए, इसलिए कि हमारे कलाकार से थोड़ा अनुभव हो सके, उनके सानिध्य ले सके, उनकी चीज़ों को जान सके और उनसे संवाद कर सके। आप माध्यमिक शिक्षा में बड़े अधिकारी हैं, बहुत सारे लोगों को वैसे भी सपोर्ट करती रहती है, हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हैं, जो इनके एक झलक आने के लिए परेशान करते हैं, दो मिनट का समय अंदर मिल जाए बात कर ले, आज देखिए आप और आपके पंचदेव हैं जो इसमें अपर शिक्षा निदेशक हैं, उनको आज आना था, बहुत जरूरी सरकारी काम में फंस के नहीं आ पाए, वे रविवार को हम लोगों के बीच में होंगे, हम लोग उनसे संवाद करेंगे। देखिए कलाएं संवेदना से उपजती हैं, संवेदना
कर देता है। संवेदना से ही हमारे अनुभव होते हैं, फीलिंग्स बनते हैं, फिट बनते हैं और उन्हीं को जब हम उचित खाद पानी उचित वातावरण पाते हैं तब क्रियान्वित कर पाते हैं, तब अभिव्यक्त कर पाते हैं, रचना कर पाते हैं। ऐसी ही रचनाएं पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में होती रहती हैं। बस उनको सब समय पहचान कर समाज के सामने लाकर उनको जीवित करने का प्रयास किया जाता है, अन्यथा वे वहीं मर जाती हैं। जब नेग्लेक्ट होती है, जब उनको कोई ध्यान नहीं देता है, तब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उनको लगता है कि इसकी जरूरत किसको नहीं है। समय समय पर यह जरूरी है कि समाज उनको चिन्हित करे, उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको मान सम्मान दे और पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में लाए। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत था तो मैं हिंदी भाषा क्षेत्र से गया था, तो मुझे यह समस्या हो रही थी, मैं संकोच बोल रहा हूँ कि सारी किताबें फॉरेन राइटर्स की थी, सारे जो बहुत महंगी और बड़ी अच्छी किताबें जिस पर नजर रखी वही इंग्लिश में। तो हम देखते थे कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे बिहार के हों, सबको समस्या होती थी। तभी मैंने सोचा था कि कला दीर्घा जो जिस रूप में आप आज देख रहे हैं, इस पत्रिका की परिकल्पना मेरे मन में तभी हो गई थी कि मुझे निकालना है। आज हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। अब वह पत्रिका ऑनलाइन मोड में आ गई है, ऑनलाइन में आप सबके बीच में नॉर्टनल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, हमारे गांव पर उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट करना हमारा काम नहीं था, हमारा काम इस तरह की गतिविधियों से भी लोगों में लोगों को ऑक्सीजन देना था, लोगों को प्राणवायु देना था। आज बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ एग्जिबिट करने के बाद ऊर्जा से लबरेज हैं, वो कह रहे हैं यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि काम करना चाहिए, रेगुलर काम करना चाहिए और काम का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे समकालीन हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। हमारे बहुत सारे मित्र दिल्ली से और अन्य विश्वविद्यालयों से यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, हम सबका आभार प्रकट करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और ये जितने सहभागी कलाकार हैं इनसे यही अपेक्षा रहेगी कि ये निरंतर रचना करते हैं और हर अगले 2-3 महीने पे हम प्रदर्शनी करते रहेंगे और अपने नए कामों के साथ, नए प्रयोगों के साथ वो यहाँ आए हैं। हमेशा सम्मिलित हो और हम अब लखनऊ के बाद देश के अन्य कोने में या विदेश में भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे, अपने प्रदेश को, अपने देश को और यहाँ की रचनात्मकता को हम सब तरफ बिखेरते रहेंगे।